हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। अब एक्सेल में खास क्या है, खास क्या सीखने वाले हैं, यहां पर देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इनमें से कुछ नाम डुप्लीकेट्स हैं, आप देख ही सकते हैं। अब ये तो छोटा सा एक रेंज है, बड़ा रेंज होगा तो भी आप इसी तरह से सिलेक्शन में ले सकते हैं। शॉर्टकट की भी मदद ले सकते हैं आप, नेविगेशन की का प्रयोग कीजिए, जहां से आपको सेलेक्ट करना है वहां पर कर्सर को रखिए, फिर यहां से शिफ्ट प्रेस कीजिए और नीचे जहां तक आपको सिलेक्शन में लेना हो वहां तक ले लीजिए। इसके बाद आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, वो क्या है, शॉर्ट से प्रेस करना है अल्ट, फिर प्रेस करना है ए, फिर प्रेस करना है एम। तो जैसे ही प्रेस करेंगे ये तो यहां पर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल फाउंड डाटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन बिकॉज यू हैव नॉट सेलेक्टेड दिस डेटा, इट विल नॉट बी रिमूव, ठीक है। तो यहां पर कंटिन्यू विद करंट सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। और यहां रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए छात्र के नाम के हिसाब से हम इसको डुप्लीकेट्स को छाटेंगे। तो ये देखिए सारे डुप्लीकेट्स को इसने हटा दिया, यानी कि जो हमने सिलेक्शन में लिया था उसको हटा दिया इसने।